हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मिस्टर जू द मिसिंग वीआईपी। आज की हमारी कहानी टाइजू नाम के एक शख्स की है जिसको एक नपी तुले लाइफस्टाइल जीना पसंद होता है। इसीलिए वो अपने घर की हर चीज को अपनी जगह पर रखता है क्योंकि उसको परफेक्ट रहना पसंद है। वो अपने काम को बहुत तवज्जो देता है, साथ ही में वो कोरिया की सबसे बड़ी और नामी एजेंसी में काम करता है जिसका नाम एनआईएस होता है। लेकिन टाइजू को जानवरों से एकदम नफरत होती है, यानी उसको जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। अब एक दिन टाइजू अपने काम के लिए निकलता हुआ लिफ्ट में आ जाता है जहां पर एक शख्स अपने पेट डॉग के साथ लिफ्ट में एंटर करता है। टाइजू डॉग को देखकर उसको छेड़ना चालू कर देता है और साथ ही उस पर गुस्सा भी करता है, जिस बात से चिढ़कर वो बेचारा डॉग टाइजू पर सूसू कर देता है। डॉग ओनर उसका मुंह साफ करते हुए डॉग की गलती के लिए उससे माफी मांगता है। अब कुत्ते वाली बात को लेकर टाइजू का मूड कुछ खास ठीक नहीं होता, इसलिए शाम को वो यूजुअल से कुछ ज्यादा ही शूटिंग की प्रैक्टिस करता है। तभी उसके कलीग्स आकर उसको बताते हैं कि उसका प्रमोशन हो सकता है, इसलिए ऑफिस में आज मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में एनआईएस की डायरेक्टर बताती है कि चाइना से आने वाले गेस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। साथ ही में वो बताती है कि वो गेस्ट यहाँ किसी काम से आ रहे हैं। ये चाइना और कोरिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है क्योंकि ये मीटिंग चाइना और कोरिया की दोस्ती के 25 साल होने की खुशी में रखी गई है। अब यहीं पर हमको पता चलता है कि चाइना से आने वाला शख्स कोई इंसान नहीं है बल्कि मिंगमिंग नाम का एक पांडा है। डायरेक्टर सबसे पूछती है कि इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी कौन लेगा। वैसे तो टाइजू को जानवरों से नफरत है लेकिन वो सोचता है कि अगर मैंने ये काम अच्छे से कर दिया तो मेरा प्रमोशन पक्का हो जाएगा, इसीलिए वो इस काम के लिए हाँ बोल देता है। इवेंट वाले दिन सब मिंगमिंग से मिलने को बेताब होते हैं, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी को टाइट कर दिया जाता है और बार बार ये चेक किया जाता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। इवेंट की जगह पर टाइजू अपने जूनियर एजेंट क्रोनी से भी मिलता है जो हाल ही में न्यूजीलैंड के वेकेशन से वापस आया है। टाइजू को इम्प्रेस करने के लिए जूनियर एजेंट उसको एक पेन दिखाता है जिसका बटन दबाते ही आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। मगर टाइजू तो इम्प्रेस होने की जगह क्रोनी का पेन लेकर फेंक देता है, लेकिन जूनियर उसे किसी भी हालत में गिरने नहीं देते, जिससे खुश होकर टाइजू उससे वो पेन ले लेता है और इन सबसे दूर रहने को बोलता है। प्रोग्राम शुरू होता है जहां पांडा मिंगमिंग को आता देख सब उसकी फोटोज लेने लगते हैं। तभी वो होता है जिसका सबसे ज्यादा डर होता है, यानी मीटिंग में चोर आ जाते हैं और आते ही स्टेज पर स्मोक ग्रेनेड डालना शुरू कर देते हैं। साथ ही धुएं की मोटी चादर के बीच वो ट्रैंक्विलाइजर से हमला करना शुरू करते हैं। इन सबसे डरकर बाकी लोगों के साथ मिंगमिंग भी वहां से भाग निकलता है, जिसका पीछा टाइजू और क्रोनी करते हैं। मगर चोरों का गिरोह मिंगमिंग को चारों तरफ से घेर कर सिडेटिव डार्ट से हमला करके उसको बेहोश कर देते हैं। तभी एकदम मौके पर आकर टाइजू सबको रुकने के लिए बोलता है, मगर चोर उस पर भी स्मोक ग्रेनेड फेंक कर हमला कर देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए टाइजू को सब कुछ नजर आना बंद हो जाता है। इसका फायदा उठाकर चोर मिंगमिंग को उठाकर ले जाते हैं। टाइजू भागकर चोरों का पीछा करता है, मगर उसी समय गाड़ी से मिंगमिंग को खोज रहा उसका जूनियर उसको आकर टक्कर मार देता है, जिस वजह से उसको काफी चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले टाइजू एक कुत्ते को अपनी तरफ आता देखता है जो उससे बोल रहा था कि तुम इस समय जमीन पर क्यों सोए हुए हो, और इतना बोलते ही वो वैन के पीछे भाग जाता है। बाद में टाइजू को अपने घर में होश आता है जहां एक्सीडेंट की वजह से उसकी गर्दन में मोच आई हुई थी, जहां पर हमको पता चलता है कि ये सब एनआईएस का एक प्लान था। ये सारी खबर मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती है ताकि आम लोग पैनिक ना करे। टाइजू अगली सुबह तैयार होकर अपने काम के लिए निकलता है जहां लिफ्ट में एक बार फिर से वही कुत्ते वाला आदमी आ जाता है, मगर इस बार टाइजू को वो कुत्ता बोलता हुआ सुनाई देता है जो उससे एक बार फिर से उस पर सुसू करने के लिए बोलता है। ये सब सुनकर टाइजू खुद को पागल समझता है और कुत्ते के मालिक से उसको दूर रखने के लिए कहता है। अब परेशान हुआ टाइजू जल्दी से मार्केट जाता है और अपना हेल्दी खाना खाना चालू कर देता है क्योंकि अब उसको ऐसा लगने लगा था कि वो ज़हनी रूप से बीमार हो चुका है। टाइजू जब सामान लेकर मार्केट से गुजर ही रहा होता है कि तभी उसको आसपास के सभी जानवर बात करते हुए सुनाई देते हैं। अब घबरा कर टाइजू वहां से भागकर अपने काम पर चला जाता है जहां पर वो मछलियों को आपस में बात करते हुए सुनता है जो उस पर हंस रही होती हैं और बोलती हैं कि वो कल तक अपने प्रमोशन के लिए खुश था, लेकिन आज देखो उसको अपनी नौकरी बचाने के भी लाले पड़े हुए हैं। अब यहां पर ये बोलती हुई फिशेज नीमो मूवी का फ्लैशबैक देती हैं। खैर टाइजू डायरेक्टर से पूछता है कि क्या उसे एनआईएस से निकाल दिया जाएगा, जिस पर डायरेक्टर जवाब देते हुए बताती है कि तुम यहाँ के सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हो, तुमको निकालने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक्वेरियम में रखी फिशेस आपस में बात करते हुए चिल्लाने लगती है, जिस बात से परेशान होकर टाइजू उनको चिल्लाकर शांत होने को कहता है। आज तक टाइजू ने ऑफिस में कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाया था, इसीलिए सभी लोग उसको देखने लगते हैं।
परेशान होकर टाइजू डायरेक्टर को बताता है कि वो जानवरों की बातें सुन और समझ सकता है और वो खुद को दिमागी रूप से बीमार समझने लगता है। ये सब देखकर डायरेक्टर उसको घर जाकर आराम करने को बोलती है। अपने ऑफिस से निकलकर टाइजू सीधा जू की तरफ जाता है जहाँ वो नकली मिंगमिंग को देखता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि उसका जूनियर क्लोन ही होता है जो पैंडा का कॉस्ट्यूम में वहाँ पर होता है ताकि लोगों को मिंगमिंग के गायब होने की खबर का पता ना चले। जब टाइजू और क्लोनी एक कमरे में बात कर रहे होते हैं तभी जूनियर के कॉस्ट्यूम में आग लग जाती है, इसीलिए उसको फौरन ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अब घर जाते वक्त टाइजू को फीमेल गोरिल्ला मिलती है जो मिंगमिंग की जानकारी के बदले उससे नेशनल जियोग्राफी की मैगजीन मांगती है। उस गोरिल्ला की बात मान टाइजू उसको एक मैगजीन लाकर दे देता है जिसमें वो फेमस गोरिल्ला की फोटोज देखने लगती है, जिसके बाद वो टाइजू को बताती है कि कल जो कुत्ता उसके पास से गुजरा था वो उस वैन के पीछे लग गया था जिसमें मिंगमिंग को ले जाया गया था। फिर वो उसको कुत्ते का पता बताती है, जिसके बाद टाइजू गोरिल्ला के बताए पते पर पहुंचता है। वहां पर एक सुनसान घर होता है जहां वो कुत्ता बाकी अन्य जानवरों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है। अब उसकी बात में खलल डालते हुए टाइजू वहां पर आ जाता है मगर दुश्मन को अपने इलाके में आता देख बाकी जानवर गुस्सा होकर उस पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में टाइजू गाजर फेंक कर बाकी जानवरों का ध्यान भटका देता है और मौका पाते ही कुत्ते को किडनैप करके ले जाता है। रास्ते में टाइजू उससे मिंगमिंग के किडनैपिंग के बारे में पूछता है जिसको बताने से वो साफ इनकार कर देता है और मौके का फायदा उठाते हुए डॉग टाइजू से ढेर सारे खाने की मांग कर लेता है। ज्यादा रात होने की वजह से टाइजू उस डॉग को घर ले आता है क्योंकि घर में आते ही डॉग चारों तरफ भागना शुरू कर देता है और बेचारा टाइजू उसके निशानों को साफ करता रहता है। और अगली सुबह जब टाइजू नीचे उठकर आता है तो वो अपना घर पहचान ही नहीं पाता है क्योंकि उस डॉग ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। चारों तरफ गंदगी और कचरा फैला हुआ था और जैसा कि हम सबको पता है कि टाइजू सफाई का कितना ध्यान रखता है, वो अपने घर की ऐसी हालत देखकर फ्रस्ट्रेट होकर उस कुत्ते को डांटने लगता है। मगर तभी उसकी बेटी सियोयुन अपने दो दोस्तों के साथ वहां पर आ जाती है। सियोयुन की माँ को मरे हुए काफी साल हो गए थे। उसकी माँ के मरने के बाद टाइजू और उसकी बेटी के रिश्ते कुछ खास सही नहीं थे जिस वजह से वो अब साथ में नहीं रहते थे। लेकिन आज टाइजू की बेटी का जन्मदिन होता है इसलिए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए टाइजू ने उसको इनवाइट किया था मगर घर की ऐसी हालत देखकर उसकी बेटी को लगता है कि उसके पापा उसका बर्थडे भूल चुके हैं। अपनी बेटी को उदास देख टाइजू इन सब के लिए उससे माफी मांग रहा होता है कि तभी वो कुत्ता वहां पर आ जाता है। कुत्ते को घर में देखकर टाइजू की बेटी काफी खुश होती है क्योंकि उसको लगता है कि उसके डैड ने जानवरों के लिए अपनी नफरत खत्म कर ली है और एक कुत्ते को घर में पाल लिया है। और टाइजू भी अपनी बेटी को दुखी करना नहीं चाहता था इसीलिए वो उससे इस सच को छुपाने का फैसला करता है। सारे घर में खुशी का माहौल होता है इसीलिए सब लोग बाहर पार्क में घूमने के लिए चले जाते हैं जहाँ टाइजू की बेटी डॉग के साथ काफी देर खेलती है। अपनी बेटी को इतने दिनों बाद खुश देखकर टाइजू भी खुश हो जाता है। अब धीरे धीरे उस गुजरते समय के साथ शाम हो जाती है और टाइजू की बेटी उससे अलविदा लेने के लिए आती है जिसको देख टाइजू उसको गले लगने के लिए बोलता है लेकिन उसकी बेटी उससे सिर्फ हाथ मिलाकर वहां से चली जाती है, जबकि दूसरी ओर पास में ही आग लगी होती है जिसको देखकर डॉग को सर्बिया का सीन याद आ जाता है जिससे उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिसके बाद वो बताता है कि जिसने मिंगमिंग को किडनैप किया है उसी ने उसके मालिक को भी मारा था, जिसके बाद वो डॉग अपनी सर्बिया की कहानी बताता है। वो बोलता है कि वो एक शर्मिला आर्मी डॉग हुआ करता था जहां उसकी मालकिन ने उसको बहुत कुछ सिखाया था लेकिन एक मॉर्निंग वॉक पर दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया जिससे उसकी मालकिन की मौत हो गई और ये सब देखकर गुस्से में उसने दुश्मन के पैर में काट लिया लेकिन बदकिस्मती से उसका एक पैर नकली होता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। वो डॉग आगे बताता है कि जिस दिन मिंगमिंग किडनैप हुई थी उस दिन उसे वहां से वही स्मेल आई थी इसीलिए उस वैन का मैंने पीछा किया लेकिन मैं उस वैन को पकड़ नहीं पाया। ये सारी बात बताकर वो डॉग काफी दुखी होता है। डॉग को दुखी देख टाइजू उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। स्लोली बट ग्रेजुअली टाइजू भी जानवरों से प्यार करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमको मिंगमिंग को दिखाया जाता है जहाँ किडनैपर्स ने उसको पकड़ कर रखा हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमको टाइजू और डॉग को दिखाया जाता है जो किडनैपर का पीछा करते हुए जा रहे होते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद कुत्ते को किडनैपर की महक आने लगती है। ये बात सुनते ही टाइजू खुश होकर एक बकरी से किडनैपर के बारे में पूछता है जिस पर जवाब में वो एक गाड़ी के बारे में बताता है। गाड़ी के नंबर प्लेट से उसका नंबर लेकर छानबीन करने पर टाइजू को एक बड़े बायोटेक कंपनी के मालिक मानसिक का नाम पता चलता है। कंपनी के मालिक की फोटो देख डॉग कंफर्म करता है कि ये वही है जिसने मिंगमिंग को किडनैप किया है। शुरुआत में तो टाइजू थोड़ा हैरान होता है लेकिन वो उसकी बात मान लेता है।
अब डॉग की बात मानकर दोनों मानसिक की कंपनी में आ पहुंचते हैं, जहां इस कंपनी का हेड मानसिक रियल लाइफ पांडा के डीएनए से एक टॉय पांडा बनाना चाहते थे जो दिखने में असल पांडा की तरह होगा और लोग उसको अपने घर पर भी रख पाएंगे। मानसिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताता है कि जब से चाइना ने पांडा को तवज्जो देना शुरू किया है, तब से लोगों में पांडा की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। ये सारी बात टाइजू सुन रहा होता है। थोड़ी देर में टाइजू मानसिक के गार्ड्स पर हमला करते हुए उसको गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए एनआईएस ले आता है। गिरफ्तारी के दौरान टाइजू डॉग को वहीं छोड़ आता है। इधर ऑफिस में उसके कलीग उससे पूछते हैं कि किस बेसिस पर तुमने मानसिक को गिरफ्तार किया है, जिस पर वो शांत रहता है और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अब वो किसी को ये नहीं बता सकता कि उसको ये सब एक डॉग ने बताया है। तभी उसको पता चलता है कि मिंगमिंग के किडनैपिंग के टाइम बायोटेक कंपनी का मालिक न्यूयॉर्क में था। लैक ऑफ एविडेंस और एक मासूम व्यक्ति को बेवजह गिरफ्तार करने के लिए टाइजू को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मानसिक आजाद होकर सीधे उसी जगह पर जाता है जहां मिंगमिंग को किडनैप करके रखा हुआ था। वहां पर दिमित्री नाम का एक क्रिमिनल उससे मिलता है जिसने मिंगमिंग को किडनैप किया हुआ है। तभी वो डॉग जिसको टाइजू छोड़ गया था ये देखकर हैरान हो जाता है कि दिमित्री ने मानसिक के चेहरे जैसा नकली नकाब पहना हुआ है। कुत्ते की प्रेजेंस से अनजान दिमित्री मानसिक को एक रिमोट कंट्रोल से फटने वाला कैप्सूल दिखाता है, जिसे जिस भी इंसान या जानवर को खिलाया जाएगा उसे दूर से रिमोट की हेल्प से उड़ाया जा सकता है। ये सारी बातें वो डॉग सुन रहा होता है और सुनकर मिंगमिंग के पास पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर वो उसको वहां से निकालने का प्रॉमिस कर वो डॉग टाइजू के घर पहुंच जाता है। डॉग को अपने गेट पर देख टाइजू गेट नहीं खोलता, क्योंकि उसी डॉग की वजह से उसकी जॉब चली गई थी। तभी कुछ मिलिट्री पर्सनल आकर डॉग को वहां से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद टाइजू की बेटी घर आकर डॉग को ढूंढने लगती है, जो उसको कहीं नहीं मिलता। दूसरी ओर उसके फादर काफी उदास बैठे होते हैं और अब अपनी बेटी के समझाने पर वो फैसला करता है कि वो हर हालत में उस डॉग को बचा कर लाएगा, जिसके लिए वो आर्मी एरिया में घुसकर कुत्ते को वहां से बचा कर ले आता है। ये देख वो डॉग काफी खुश होता है, क्योंकि उसको टाइजू ने बचाया था। डॉग को बचाने के बाद वो लोग आर्मी एरिया से भागकर निकल आते हैं, जहां टाइजू उस पर बहुत नाराज होता है। वो डॉग को वहां से चले जाने को कहता है, मगर वो डॉग फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। साथ ही टाइजू को बताता है कि उसने मिंगमिंग को ढूंढ लिया है। इस बार टाइजू उसकी बात मान लेता है और उस डॉग के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है, जहां बाहर उसको क्रोनी मिलता है। वो क्रोनी को बाहर ही रुकने को बोलकर खुद अंदर चला जाता है। अब अंदर जाकर वो इलेक्ट्रिक गन से सभी क्रिमिनल्स को मारने लगता है, लेकिन एक क्रिमिनल उस पर छुप के पीछे से हमला करने वाला होता है, पर वो डॉग आकर टाइजू को बचा लेता है, जिसके बाद दोनों मिलकर मिंगमिंग को आजाद करके वहां से भागना शुरू करते हैं। उसी दौरान वो लोग भागते हुए कुछ ड्रम्स को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, जिससे कोई उनका पीछा ना कर पाए, मगर उनमें से एक ड्रम में क्रोनी भी बैठा होता है। और अब भागते भागते उनको सुबह हो जाती है, जहां वो पांडा उनसे भागते हुए बस की मांग करता है। इसीलिए वो लोग एक बस में बैठ जाते हैं, जहां सभी लोग उसे पांडा की कॉस्ट्यूम समझते हैं। वहीं घर पर पहुंचते ही टाइजू की बेटी उसके साथ बहुत खेलती है। इधर वेयर हाउस में अपने प्लान्स पर पानी फिरता देख मानसिक दिमित्री पर गुस्सा करता है। इसीलिए गुस्से में आकर दिमित्री के लोग मानसिक को वो ब्लास्ट होने वाला कैप्सूल जबरदस्ती खिला देते हैं और उसे ले जाकर उसी रूम में बंद कर देते हैं जिसमे मिंगमिंग को रखा गया था। अब कंपनी हेड को पकड़ने के बाद नकली चेहरे वाला व्यक्ति अपना असली मकसद सबको बताते हुए कहता है कि ये मीटिंग चाइना और कोरिया के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए चाइना से आने वाले लीडर के लिए वो मिंगमिंग की मदद से उस बॉम्ब को मीटिंग में पहुंचाना चाहते हैं। तभी अंदर वेयरहाउस में एक जोरदार धमाका होता है, जो मानसिक को खिलाए कैप्सूल के कारण होता है। दूसरी ओर टाइजू एनआईएस के डायरेक्टर को अपने घर बुलाकर मिंगमिंग से मिलवाता है। उसके घर में कई सारे जानवर होते हैं जो उनसे बातें करते हैं। तभी दोनों मिलकर सिक्योरिटी को बुलाते हैं और मिंगमिंग को मीटिंग वाली जगह पर ले जाते हैं। उसी जगह पर अब एक बार फिर से उस डॉग को महकाने लगती है, जिसका वो लोग पीछा करते हैं, लेकिन तभी वहां पर दिमित्री के लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। पर टाइजू और उसकी बेटी उनको कुत्ते को किडनैप करते हुए देख लेते हैं और वो चुपके से उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन देर होने के कारण वो लोग वहां से निकल जाते हैं। टाइजू वापस घर पर आता है, जहां पर वो एक तोते को मदद करने के लिए बोलता है। देखते ही देखते शहर के सारे परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं और उस डॉग को ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद हमें दिमित्री का घर दिखाया जाता है, जहां पर उसने कई और कुत्तों को भी किडनैप किया होता है। वो लोग हर एक कुत्ते को कैप्सूल में खिला देते हैं, जिसके बाद अपना हुलिया बदलकर दिमित्री के लोग भी उसी पार्टी में कुत्तों के साथ शामिल होने चले आते हैं। इनका प्लान मीटिंग वाली जगह पर ब्लास्ट करने का होता है, जहां पर दोनों देश के ऑफिशियल्स की मुलाकात हो रही होती है, जिसके बाद वहां पर मिंगमिंग को लाया जाता है लोगों से मिलवाने के लिए। दिमित्री और उसके लोग पूरी मीटिंग हॉल में डॉग्स को छोड़कर मोबाइल से कैप्सूल्स को एक्टिवेट करके वहां से बाहर भाग जाते हैं।
ये देख सभी लोग डर जाते हैं और बाहर की ओर भागने लगते हैं, मगर दिमित्री के लोगों ने तो गेट को बाहर से बंद कर दिया है, जिस कारण सभी लोग अंदर ही बंद हो जाते हैं। तभी टाइजू को क्रोनी के पेन के बारे में याद आता है और ब्लास्ट से चंद मिनट पहले ही टाइजू उसके पास आकर उसका पेन ऑन कर देता है, जिससे दिमित्री के मोबाइल सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो जाते हैं, साथ ही सारे कैप्सूल्स भी डिफ्यूज हो जाते हैं। अब ये सब देखकर दिमित्री वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो सारे डॉग आकर उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन आपस की छीना झपटी में दिमित्री जख्मी हो जाता है और गुस्से में आकर बंदूक से डॉग पर हमला कर देता है, लेकिन ताइजू उसके सामने आ जाता है और गोली उसके कंधे में लग जाती है। अगले दिन ताइजू अस्पताल में उठता है, जहां पर उसको बताया जाता है कि वो डॉग भी अस्पताल में ही एडमिट है और उसकी हालत अभी गंभीर है। इतना सुन वो डॉग के पास भागा हुआ चला आता है। डॉग को देख और उसको मरा हुआ समझकर ताइजू और उसकी बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं, लेकिन तभी एक डॉक्टर आती है और उनको बताती है कि वो मरा नहीं है, बल्कि वो तो आराम कर रहा है। जिसके बाद एंड में हम देखते हैं कि NIS की डायरेक्टर डॉग की बहादुरी पर उसको मेडल देती है, जिसको देख सब लोग बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की एक खूबसूरत कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम हमेशा की तरह फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।